श्री नैमी शारण ने हरिपुरपन ट्रस्ट श्री रामानुज कोट मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव संस्था के सर्वराकार महंत श्री 1000 श्री श्री इंदिरा रमन रामानुजदास जी के आदेश से बहुत ही हर्षोल्लास एवं सावधानी पूर्वक मनाया गया। सर्वप्रथम नैमिषनाथ भगवान एवं श्री देवी भूदेवी के विग्रह को छत पर बने चंद्रमा की शीतल चांदनी में रखा गया। उसके बाद मंदिर के पुजारी रामलला त्रिपाठी जी के द्वारा उनका विधिवत अभिषेक एवं षोडशोपचार पूजन किया गया। भगवान को खीर का भोग लगाया गया व छात्रों द्वारा गोपी गीत, रास पंचाध्यायी का पाठ, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त पाठ का आयोजन किया गया। इसके उपरांत नैमिष के प्रसिद्ध संगीतकार गोविंद मिश्र, शिव शंकर सैनी, भगवती प्रसाद तिवारी आदि भजन गायकों द्वारा भगवान की महिमा का बखान भजनों के माध्यम से किया गया। भजनों के उपरांत भगवान की शयन आरती कर उनके श्री विग्रह को पुनः गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। आए हुए भक्तों को भोजन प्रसाद के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम के संयोजक वेद पाठशाला के प्राचार्य धनेश कुमार तिवारी रहे। इस अवसर पर संस्था के ट्रस्टी डॉक्टर रमेश चंद्र दीक्षित विवेक दुबे, पूर्व सभासद बाबा सिया रामदास जी, राम जी वैदिक, प्रख्यात कथा व्यास आशुतोष पांडे, कुलदीप शास्त्री सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे।